हेलो स्टूडेंट्स, मैं SS चंद्रावत स्वागत करता हूँ आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूँ 12th क्लास केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 10, और वो है अपना हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही है हैलोजन यानी कि हैलोजन के यौगिक हैलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ। हैलो एल्केन के निर्माण की विधियों के अंदर अपन दो विधियां पढ़ चुके थे, ठीक है। पहली है एल्केन्स हैं और दूसरी एल्किल हैलाइड्स हैं, ठीक है ना। तो दो विधियां मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब बात करेंगे अपन तीसरी विधि, और वो है एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण या एल्कोहल से हैलो एल्केन का निर्माण, ठीक है। अब एल्कोहल से हैलो एल्केन का निर्माण कैसे करते हैं, उसके भी दो तीन विधियां हैं। इसमें सबसे पहली अपन बात करने वाले हैं एल्कोहल तथा हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया से, यानी एल्कोहल और हैलोजन अम्ल की क्या करा दें, अभिक्रिया। तो इससे क्या बनेगा, आपका एल्किल हैलाइड बनता है। कैसे बनता है, तो इस चीज को समझने का अपन यहाँ पर प्रयास करेंगे, यानी कि एल्कोहल व हैलोजन अम्ल की क्रिया कैसे होती है, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है भाई। तो देखो ध्यान से, देखो जब एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से, एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में की जाती है, यानी कि यहाँ पर मैं अभिक्रिया आपको बता दूँ सबसे पहले, तो ये लिया अपन ने एल्कोहल, इसकी क्रिया हैलोजन अम्ल जैसे कि HCl से आप लोग करा सकते हैं, या फिर इसकी अभिक्रिया जो है आप लोग HBr से भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल HCl से करा दो या HBr से करा दो, अब यहां पर उत्प्रेरक क्या काम में लेंगे, तो सुनो ध्यान से, यहां पर उत्प्रेरक काम में लिया जाता है ZnCl2 की उपस्थिति में इसको गर्म कर सकते हैं, या फिर इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में भी आप लोग इसको गर्म कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही अभिक्रियाओं में होगा क्या, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, यहां से एक जल कणु निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो ये देखो यहां से ये लो, ये एच और ओ एच मिलकर एक जल कणु यहां से निकल जाएगा, यहां पर भी ये एच और ओ एच मिलकर एक जल का अणु यहां से निकल जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या, R और Cl, यानी यहां पर भी एल्किल हैलाइड बनेगा और यहां पर भी एल्किल हैलाइड यानी कि RBr का निर्माण हो जाएगा, साथ में H2O निकलेगा। तो ये थी अपनी एल्किल हैलाइड निर्माण की, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड निर्माण की पहली विधि, जो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर। तो मैं लिखा देता हूँ इस चीज़ को, क्या होगा, एल्कोहल की क्रिया शुद्ध हैलोजन अम्ल से कराने पर एल्कोहल की क्रिया शुद्ध हैलोजन अम्ल, शुद्ध हैलोजन अम्ल से कराने पर हैलो एल्केन का निर्माण होता है, हैलो एल्केन का निर्माण होता है, हैलो एल्केन का निर्माण होता है। यहाँ HCl की क्रिया निर्जल ZnCl2 तथा HBr व HI की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ HCl की क्रिया, यानी जब आप HCl की क्रिया कराएंगे तो निर्जल ZnCl2 तथा HBr व HI की जो क्रिया होती है सांद्र H2SO4
की उपस्थिति में कराते हैं, उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है भाई, तो ये अपन ने HCl की क्रिया कराएंगे तो निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, HBr की और HI की क्रिया कराएंगे तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, यदि एल्कोहल से क्रिया की जाती है तो यहाँ पर एल्केन हैलाइड आपको प्राप्त हो जाते हैं या हेलो एल्केन यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कि यहाँ पर जो क्रिया में काम में लेने वाला HBr व HI है इसको शुद्ध अवस्था में कैसे प्राप्त करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो भाई, यहाँ HBr व HI का निर्माण HBr व HI का निर्माण NaBr या NaI की सांद्र H2SO4 से क्रिया द्वारा होता है। NaBr व NaI की सांद्र H2SO4 से क्रिया द्वारा किया जाता है, यानी यहाँ पर जो आप लोग HBr या HI काम में लेते हैं इसका निर्माण किससे किया जाएगा, NaBr व NI की सांद्र H2SO4 से क्रिया करा देते हैं तो उससे ये बनाया जाता है। और ध्यान रखें, इस अभिक्रिया के प्रति हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम पूछ लिया जाए कि को इस अभिक्रिया के अंदर हैलोजन से इन हैलोजन अम्लों में से कौन सा हैलोजन अम्ल ज़्यादा क्रियाशील होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्रियाशीलता का क्रम डायरेक्ट पूछ लेते हैं कभी आप लोगों से ये, तो ध्यान रखेंगे किसकी क्रियाशीलता का क्रम, तो सबसे पहले लिखेंगे हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता। हैलोजन अम्ल की बात करते हैं तो देखो भाई, हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता देखें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, HI होता है, फिर होगा HBr और फिर होता है HCl। ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया के प्रति इन हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है एल्कोहल के साथ में, HI होता है, फिर HBr होता है, फिर HCl होता है। इसी प्रकार से एल्कोहल की क्रियाशीलता देख लेते हैं, तो देखो भाई, एल्कोहल की क्रियाशीलता की बात करें तो इस अभिक्रिया के प्रति सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है 3° एल्कोहल, कौन सा होता है 3° एल्कोहल होता है, उसके बाद आएगा 2° एल्कोहल और फिर आएगा 1° एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रियाशीलता अपन ने यहाँ पर देख ली है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, एल्कोहल से एल्कोहल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एल्कोहल व हैलोजन अम्ल की क्रिया करा देते हैं तो क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा या हेलो एल्केन आपको प्राप्त हो जाता है। HCl की क्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं, HBr की क्रिया व HI की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, दोनों में ही जल निकलेगा और एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का निर्माण हो जाता है। HBr व HI जो यहाँ पर काम आते हैं उनका निर्माण NaBr व NI की क्रिया H2SO4 से कराने पर प्राप्त किए जाते हैं, उनको यहाँ पर काम में लिया जाता है। क्रियाशीलता मैंने आप लोगों को बता दी है, तो यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब चर्चा करते हैं कि एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की जो दूसरी विधि है वो कौन सी है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो नेक्स्ट बात करेंगे अपन एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की दूसरी विधि, तो वो थी भाई एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से अभिक्रिया। ठीक है भाई, एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से अभिक्रिया और इससे अपन बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे इसमें
एल्कोहल की बी पॉइंट है एल्कोहल की SOCl2 से क्रिया द्वारा, और ध्यान रखें इस अभिक्रिया का एक नाम है, इसे डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये है अपनी डार्जन अभिक्रिया। कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना, डार्जन है भाई ना, टार्जन नहीं है, क्या है? डार्जन। चलो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है तो सुनो ध्यान से, वही आपका एल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं? एल्कोहल। अब देखो एल्कोहल को अपन ROH से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? ROH से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने ROH को ऐसे फैलाकर लिख दिया भाई। इसी प्रकार से SOCl2 इससे क्रिया करेगा भाई, है ना, ये तो बोल रहे हैं एल्कोहल की क्रिया SOCl2 से। तो भाई ये एल्कोहल है ROH, इसकी क्रिया कराएंगे किससे? SOCl2 से। अब देखो SOCl2 का फॉर्मूला होता है S डबल बॉन्ड O Cl और Cl, ये लो। तो एल्कोहल की क्रिया करा रहे हैं किससे? आप लोगों का SOCl2 से क्रिया करा रहे हैं। ध्यान रखना ये जो क्रिया होती है ये पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? ये होती है पिरिडीन की उपस्थिति में, और पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H5N होता है। तो ये पिरिडीन का फॉर्मूला है, इसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। अब क्या क्या बनेगा यहाँ पर? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ से इन बंधों को तोड़ो इस तरह से, ठीक है ना। तो जैसे ही आप लोग बंध तोड़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या क्या बनेगा। तो देखो भाई इस बंध के इस तरफ क्या बचा? R और Cl, यानी ये बन गया आपका एल्किल हैलाइड, ठीक है। बीच में क्या बचा? SO, तो ये रहा और एक O ये रहा, यानी कि SO2 बन गया। साथ में इधर H और Cl, तो HCl का निर्माण हो गया। तो बहुत सिंपल सी अभिक्रिया है कि जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से कराते हैं तो पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया के परिणाम स्वरूप एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। और ध्यान रखें ये जो अभिक्रिया है ये एल्किल क्लोराइड के निर्माण की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, और इस विधि से जो एल्किल क्लोराइड आपको प्राप्त होता है वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें इस विधि से एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, क्लोरो एल्केन आपको प्राप्त होता है, ठीक है भाई। चलो तो ये थी अपनी डार्जन अभिक्रिया। डार्जन भी बोलते हैं, बात एक ही है, है ना, कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसके बारे में। तो देखो एल्कोहल से या फिर यहाँ से शुरू करते हैं अपन, यह एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है, सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों इसको मानते हैं। तो ध्यान रखें क्योंकि इससे SO2 व HCl दो गैसीय उत्पाद प्राप्त होते हैं जो
दो गैसीय उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनमें SO2 वाष्पित हो जाता है व HCl जिनमें SO2 वाष्पित हो जाता है और HCl पिरिडीन में अवशोषित हो जाता है तो पिरिडीन में क्या हो जाता है, अवशोषित। अब देखो ये दोनों चीजें तो यहां से अलग हो ही चुकी है, SO2 तो वाष्पित होकर वायुमंडल में चला गया, HCl पिरिडीन में अवशोषित हो गया, तो बचा कौन, RCl, मतलब ये शुद्ध अवस्था में आपको यहां पर प्राप्त होता है एल्किल हैलाइड यहां से, ठीक है ना। इस प्रकार इसमें शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, इस प्रकार इसमें शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है। शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, इसे डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। इसे अच्छा डार्जेन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये है अपनी डार्जेन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, SOCl2 को क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं भाई, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं किसको, SOCl2 को, है ना। चलो तो ये बात अपने पास यहाँ पर आ चुकी है डार्जन अभिक्रिया से संबंधित, ठीक है। चलो अब देखो ये जो अभिक्रिया है ना, इस विधि से है ना आप लोग केवल एल्किल क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी विशेषता होती है कि इससे आप लोग एल्किल क्लोराइड ही प्राप्त कर सकते हैं, इससे न तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त कर सकते और न ही एल्किल आयोडाइड प्राप्त कर सकते। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि इस विधि में एल्कोहल की क्रिया कराते किससे हैं, थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं। तो देखो भाई थायोनिल क्लोराइड जो होता है ना ये तो स्थायी यौगिक है, परंतु यदि आपको यहाँ पर RCl की जगह RBr बनाना है, एल्किल ब्रोमाइड बनाना है, तो वहाँ क्या लेना पड़ेगा, थायोनिल क्लोराइड की जगह थायोनिल ब्रोमाइड लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखें थायोनिल ब्रोमाइड जो होता है ना वो अस्थायी यौगिक है, क्या है, अस्थायी यौगिक, और जब वो प्रकृति में उपलब्ध ही नहीं है, अस्थायी है, तो फिर आप लोग RBr का निर्माण नहीं कर सकते। और RI आपको बनाना है, एल्किल आयोडाइड बनाना है, तो वहां पर थायोनिल आयोडाइड लेना पड़ेगा, और थायोनिल आयोडाइड यौगिक तो ज्ञात ही नहीं है अभी, ठीक है ना। तो इस तरह से इस विधि से आप लोग केवल क्या बना सकते हैं, एल्किल क्लोराइड आप लोग बना सकते हैं, और कोई जो है यहाँ पर आप लोग इससे अन्य एल्किल हैलाइड यानी कि एल्किल आयोडाइड व ब्रोमाइड यहाँ पर नहीं बना सकते, ठीक है भाई। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, इस अभिक्रिया में केवल एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, एल्किल
ब्रोमाइड व आयोडाइड नहीं, एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड नहीं, ठीक है भाई, एल्किल आयोडाइड नहीं क्योंकि क्योंकि एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल अच्छा क्योंकि थायोनिल ब्रोमाइड अस्थाई होता है, क्योंकि डायरेक्ट लिख लेते हैं थायोनिल ब्रोमाइड अस्थाई होता है और थायोनिल आयोडाइड अज्ञात है, यानी अभी ज्ञात ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग केवल क्या बना सकते हैं, यहां से एल्किल क्लोराइड बना सकते हैं, और एल्किल क्लोराइड को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए ये विधि आपकी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए, आ जाएगी बात समझ में। तो ये था अपना एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की दो विधियाँ, ठीक है। पहली तो क्या थी, एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइडों से, और दूसरी है एल्कोहल की क्रिया SOCl2 से कराने पर। तो आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोग कंप्लीट करेंगे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।